हालेलुया पास ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है ये सिस्टर का नाम अमन है और ये सिस्टर की टेस्टिमनी इन्होंने वर्क परमिट की एक्सटेंशन की है ये दसदे कहते कहते पिछले साल अक्टूबर महीने के कैनेडा आए थे और स्पाउस वीजे से कैनेडा आए थे और ये चाहते थे कि इन्हों का वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाए जो कि एक्सपायर होने वाला सगा सितंबर के जो वर्क परमिट सगा वो एक्सपायर हो रहा है तो इस चीज़ के करके बहुत स्ट्रैस के रेंदे थे ये डिफरेंट डिफरेंट लॉयर्स भी मिलते होंगे सके पर जोड़े लॉयर्स मिलते होंगे वो यही इन्हों कहते होंगे कि ढा कुछ नहीं हो सकता हूँ ताे को एक ही चॉइस है कि तुम अपना केस है जो हूँ बंद करके रिफ्यूजी केस लगा लवो अपना और दस दे कि जो स्पाउस वर्क परमिट से एंड वो क्यों क्यों इदा कहें कि रिफ्यूजी लाओ क्यों स्पाउस विच एक्सटेंशन नहीं मिलती नहीं मैनू मेरे हस्बैंड ने लाइक कोई सपोर्ट नहीं की अच्छा मिलती सी पर उन्हां वालों कोई सपोर्ट नहीं आई जिहदे करके वो कहंदे सी रिफ्यूजी लाओ हाँ जी ओके वेट करो हाँ जी अगे और ये दसदे कहंदे क्योंकि इन्हां दी स्टडी इत्थे कोई नहीं सी सो इन्हां कोल ऑप्शन सारे खत्म हो गए थे एक रिफ्यूजी तो अलावा और ये दसदे कहंदे लास्ट मंथ तो ये साड़ी नेकुइन मिनिस्ट्रीज के नाल लगातार जुड़े हुए रैगूलर आते हैं चर्च के और जो भी तुम डैक्लेरेशन करते थे उन्होंने डैक्लेरेशनस रिसीव करते थे और वाइट गारमेंट मीटिंग वाले दिन 22 अक्टूबर 2023 डिक्लेयर किया कि जिन्हों फाइल्स लगियां मैं देख रहा ताे वर्क परमिट ताे पी आर के मसले हल हो रहे ले अपने हाथों को उठाओ बोलो परमेश्वर मैं सब चीज़ों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ तूने मेरे जीवन में काम कर दिया है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तूने मुझे हील कर दिया मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ बोलना है आपको मैं नहीं तू ही बोलना तूने मुझे डिलीवर कर दिया है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तूने मेरी पीआर को सॉल्व कर दिया है तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरा वर्क परमिट स्टडी परमिट सब मसले सॉल्व है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ फिर से बोले मेरी बीमारी जाती रही हाल हो रही है और ये कहते कहते कि जो मैं उस डेक्लेरेशन सुनिया मैं पता लगा कि मेरे लिए आ इन्होंने ताडे वो वर्ड्स नु रिसीव किया और ये दस दे जो ले हैंड वेट करो अपनी फोन की गल हुई सी उदो मैं कुछ कहा सी तानू की कहा सीगा तुसी कहंदे सी कि थोड़ा वर्क परमिट आ रहा और जिदन अपनी होम मीटिंग सी तुसी जाके करे उदन भी तुसी कहा कि थोड़ा वर्क परमिट आ रहा उदन भी मैं फेथ नाल रिसीव किया सीगा ते ओ उस तो बाद मेनू पता लग गया सी कि इट्स डन आ एंड ए तड़ा ले हैंड फॉर्म है जिते तो ये वीजा ब्लेसिंग एक्सटेंशन फॉर वर्क परमिट लिखा सीगा फिर किदा वर्क परमिट आया और ये दस दे पासी कि 25 अक्टूबर नू इस ले हैंड तो बाद 25 अक्टूबर नू मैं तुम्हें एक गल दस देना ये वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं है नॉर्मल तू स्टडी करके वर्क परमिट लिया वो एक्सटेंशन नहीं है ये होर तरीके की एक्सटेंशन है जिदे विच तुहानू उन्हां वल्लों अगर पेपर्स मिलते हैं दैन पॉसिबिलिटी है तुहाडा वर्क परमिट एक्सटेंड होवे जबकि उधरों नहीं मिले अच्छा पासी ले हैंड की जी डेट सी असं देख सकते अक्टूबर 22 2023 की और ये दस दे कहिंदे 25 अक्टूबर नू 3 दिन बाद सिर्फ 3 दिन बाद इन्हों एक मेल आती है कि $255 तुम पे करो और जो फाइल का प्रोसैस है वो स्टार्ट हो जाना लॉयर वालों इन्हों ईमेल आती है और इन्होंने राइट भी उस वेले पेमेंट कर दी एक मिनट तुम कहते वर्क परमिट अप्लाई किया फिर मैनू लाइक मैं पहला तो मिलती सी अलग अलग लॉयर ओके मैनू सारे इको ही गल कहते कि रिफ्यूजी लग जाना कि वूमेन्स का ना रिफ्यूजी केस बहुत जल्दी उहदा रिजल्ट आउंदा आ तो मैं बहुत कोशिश करती सी कि चलो रिफ्यूजी ही ला लैनी आ फिर मैनू किसी अपने रिलेटिव्स ने मेरे ने कहा कि तू रिफ्यूजी ना ला तेरे 40,000 उन्होंने तेरे तो ले लैना ते तेरा उत्थे जाके कोई हल नहीं होना बहुत केस खराब होया फिर मैं प्रेयर करनी स्टार्ट की कि परमेश्वर मेरी थोड़े नाल भी मैं गल करना चाहती सी बट कोई प्रॉब्लम सी नहीं गल हो पाती सी फिर मैं आप ही प्रे करनी शुरू की मैं क्या परमेश्वर तू अगे भी मैं वीजे नाल इत्थे भी लियांदा आ सब कुछ ब्लेस किया तू जो लॉयर तुहानू कहिंदे ही रिफ्यूजी ही लाओ हाँ जी पहला थोड़ा तुहाडे मन च की आंदा सी कि मैं रिफ्यूजी लैण आई हां इत्थे कुछ इदां दा की थॉट आंदा सी मैनू इक्को ही सीगा मैं घरे भी जो कुड़ियां दे नाल रहिंदी सी मैं कुड़ियां नू इक्को गल कहिंदी हुंदी सी कि यार रिफ्यूजी उह कहिंदे आ बट मैनू नहीं लगदा कि मेरा रिफ्यूजी लगूगा मैं फेथ रखिया सी कि मेरा कुछ ना कुछ तो हल होगा वे लोगों की जिंदगी मिरेकल होंगे मेरी जिंदगी हो क्योंकि मैं जिंदा खुदा पाँगी फिर और पास ये दस दे कहते कि इन्होंने $255 पे तो कर दिए थे पर इन्हों कोई भी उम्मीद नहीं सी कि वो एक्सटेंशन आऊगी ये इतने तक सोच लगेगा कि शायद मैं इंडिया ही वापस जाना पै जाना और दस दे कहते 7 नवंबर में इन्हों मेल आँगी कि इन्हों का जो वर्क परमिट है एक्सटेंड हो चुका है तो केड़ा वर्क परमिट है हुण मेरे को ओपन वर्क परमिट ओपन वर्क तुहानू मैं एक चीज़ दसदा ओपन दे क्लोज फर्क है क्लोज मतलब जेडे इंपलॉयर दे राही तुहानू मिलिया तुसीं उहदे कोल ही काम कर सकदे हो सिन ते
बाहर किसी को नहीं कर सकते, अगर करते हैं यू गैट इन ट्रबल, पर ओपन च हों जिथे मर्जी सिंह के काम करो यूर फ्री। कदों किन्ने साल किन्नी एक्सटेंशन मिली तुम हूँ पास्टर जी? वो मैनू मतलब कि उधरों वैसी वालों ही मेल आई सी कि जिन्हों के ओपन वर्क परमिट आ ना उही एलीजिबल, मतलब जिन्हों का दिसंबर तो पहला एक्सपायर हो रहा ना उही एलीजिबल आए दे लई। ओके, सो मैं एलीजिबल सी क्योंकि मेरा सितंबर च एक्सपायर होना सी दिसंबर च। ओके, मैं 22 जून नू अप्लाई किया सी, मैनू कोई रिजल्ट नहीं आ रहा सी, बट पारिट गारमेंट्स मीटिंग तो बाद मैनू उत्ते रिजल्ट आने स्टार्ट होए सी। हम्म, वो मेल च मैं मतलब कि उहदे विच ही अपनी लगाई हुई सी, वो 18 महीने की एक्सटेंशन सी। और पासी वड्डी चीज यह सानू पता कि जेड़ा क्लोज्ड वर्क परमिट हुंदा जदों उहनू मुड़ के जे एक्सटेंड तुहानू करना पै जावे वह बहुत हार्ड हुंदा करना, पर ओपन नू तुसी मुड़ के फिर कर सकदे आ। ओके, एक्सटेंड हो सकदा ईजीली हो सकदा। पहला तुहाडा क्लोज्ड सीगा, पहला भी ओपन सीगा, पर उस स्पाउस सीगा। हाँ जी, एंड तुहानू उच कोई उम्मीद नहीं, फिर भी मोस्टली वो क्लोज ही दिंदे आ दूसरी वारी जदों दिंदे एक्सटेंड तों बाद, क्योंकि मैनू भी जदों मिलिया सीगा वो क्लोज्ड मिलिया सीगा दूसरी वारी। ओके, बस जी जदों मैं अप्लाई कीता सी ना ओहदे विच माइक सरो, हां ओहदे विच मंगिया सीगा कि तुहाडे जिहड़े हसबेंड दा स्टडी परमिट आ ना ओह होना चाहीदा तुहाडे कोल, मैनू न्यू वाला नहीं पता सी क्योंकि उहनां ने न्यू वाला मैनू सेंड ही नहीं कीता। अच्छा, पुराना ही सी, आपां बहुत तुक्के नाल ही फाइल लाई सी ओह वाली, आपां पुराना ही चक के लाता सी जिहड़ा एक्सपायर सी मेरे नाल ही, सो ओहदे ते भी रिजल्ट दित्ता उहनां ने जिद्दां मेरी फाइल ही नहीं चेक कीती। हियर मी आउट, आज दा एग्जाम भर दो, मैं तुहानूं कह रहा तड़ली रूल्स बदलण, जिहने ना भरिया उहनूं पछताणा बाद च। ये नॉर्मल चीज है यार, नॉट फॉर मी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਫੇਥ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਸੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ। ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਨਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਸਟਰ।